माध्यमिक शिक्षा मंडल टेंथ बोर्ड परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स का हुआ सम्मान, कलेक्टर सौरभ सुमन ने किया प्रोत्साहन। जनसंघ के संस्थापक महान चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई, सामुदायिक भवन और वाटिका डॉक्टर मुखर्जी के नाम। प्राइवेट स्कूल संचालकों का एक धड़ा पहुंचा प्रशासन की शरण में, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल बोर्ड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले स्कूल संचालक हैं खासे परेशान। और भोलेनाथ की आराधना के आए सोमवार पहले श्रावण सोमवार के पावन अवसर पर रुद्र अभिषेक और पूजन अनुष्ठान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल टेंथ बोर्ड के परीक्षा परिणामों में जिले के विद्यार्थियों ने सफलता का वो परचम लहराए हैं जिनसे जिला गौरवान्वित है। जिले के 6 टॉपर्स को सम्मानित करते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने बधाई और शुभकामनाएं दी। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरगड़े और शिक्षकों की मेहनत, छात्र छात्राओं की लगन तथा अभिभावकों के सहयोग से जिले का परीक्षा परिणाम प्रदेश के अन्य जिलों से बेहतर रहा है। डीईओ अरविंद चौरगड़े ने समूचे सत्र के दौरान गुणवत्तापूर्ण अध्यापन पर जोर दिया और हम फक्र से कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा जिले में नकल नहीं होती। 6 में धावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने सभी को लक्ष्य तय करके लक्ष्य मिलने तक पूरे मनोयोग से मेहनत को सफलता का मंत्र बताया। जो पढ़ना चाहे पढ़ना ही है। हमारे जिले में जो भी बच्चे प्रावीण्य सूची में आए हैं परीक्षा के रिजल्ट के बाद, उन लोगों को आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं ताकि भविष्य के लिए उनका उत्साह वर्धन रहे और हम लोगों की तरफ से उनको शुभकामनाएं, उनकी पढ़ाई ऐसे ही अनवरत जारी रहे और भविष्य में ऐसे ही सफलता के झंडे वो गाड़ते रहे। अभी जो 10वीं कक्षा का माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया था उसमें हमारे जिले के 3 स्थानों के लिए 6 बच्चे टॉप में आए थे, तो उन्हीं बच्चों का आज प्रोत्साहन के लिए उनका सम्मान किया गया है जिससे आगे वो अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रख सके। यदि उनको कोई समस्या या कोई गाइडेंस की आवश्यकता हो तो वो कलेक्टर महोदय ने खुद कहा है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी, कुछ गाइडेंस लेना होगा तो वो स्वयं देंगे उनको, तो उनके प्रोत्साहन के लिए उनका सम्मान किया गया था। हमारे जिले का रिजल्ट भी लगभग पिछले साल जैसा आया हुआ है, परंतु एमपी टॉप में हमारे ये बच्चे 1 नंबर से चूक गए, नहीं तो ये 2 बच्चे हमारे एमपी टॉप में भी आते हैं। जनसंघ के संस्थापक एवं महान भारतीय विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती राष्ट्रभक्ति के संकल्प के साथ मनाई गई। चंदनगांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन एवं वाटिका का लोकार्पण कर वृक्षों के पौधे भी लगाए गए। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व महापौर कांता योगेश सदारंग, प्रदेश मंत्री कनीराम रघुवंशी, पूर्व अध्यक्ष रमेश पोफली, ठाकुर दौलत सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय झांझरी, दिवाकर सदारंग एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लोकप्रिय नेता पिंटू गजेंद्र अलडक सहित गणमान्य जन मौजूद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर दौलत सिंह जी का दीपक करने के लिए निवेदन।
ये जो पार्क निर्मित हुआ है, मैं सबसे पहले इस पार्क के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एकता जो महिला मंडल है रामायण मंडल, उनके द्वारा महापौर जी को और हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रमान सिंह जी, ये हमारी मंगले आई जो है उनके जो मंडल है उनके माध्यम से बार बार मांग की जा रही थी कि यहाँ पर जो प्रांगण पड़ा हुआ खाली उस पर एक छोटा सा भवन बन जाए जिससे कि छोटे मोटे कार्यक्रम वगैरह महिला मंडल का कार्यक्रम वगैरह होते रहे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और यहाँ पे आज वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया है, आप सभी लोग वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लिए, इसलिए मैं आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज यह भवन की भी घोषणा की है और ओपनिंग हो रही है, तो इसलिए मैं आप सभी महिला मंडल को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। सामुदायिक भवन जिसका नामकरण भी अभी हो रहा है, हमारे जिलाध्यक्ष उस नामांकन को घोषित करेंगे। हमें सम्मानित पोपली जी और कनेराम जी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं यही कितना कहना चाहता हूँ कि आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व के द्वितीय कार्यकाल में एक वर्ष सफल वर्ष पूर्ण हुए हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है इसके भी 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और आज इसी अवसर पर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती मना रहे हैं। निश्चित तौर पर यह संभव हुआ है कि एक छोटा सा दल जिसके कभी दो सीट हुआ करती थी, आज पूर्ण बहुमत के साथ वो अपने देश में सरकार बना रही है और देश के अधिकतम आधे से ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों से प्रेरित होकर के और उनके मार्गदर्शन की जो सोच थी उस सोच के साथ यह सरकार बनी है। और मुझे लगता है कि उनके जीवन को अगर हम अपने अनुसरण करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन का भी उद्धार होगा और साथ ही साथ उनके विचारों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज यहाँ पर हमारी एकता कॉलोनी की बहनें बैठी हैं, इन्होंने महापौर जी से मांग की थी यहाँ पर वाटिका बनाने के लिए, यहाँ पर वृक्षारोपण करने के लिए, तो महापौर जी ने सिर्फ चंदन गांव नहीं पूरे नगर में अपने वायदे को पूरा किया और यहाँ का वायदा भी आज उन्होंने पूरा किया है। आ जा सब। अरे भैया वो प्लेट देना यार, जरा ठंडावा द्वारा स्वागत करें, स्थान ग्रहण करें। और स्वागत की बेला को मैं यही विराम देते हुए इसके पश्चात आज के हमारे मुख्य कार्यक्रम, आज के इस प्रांगण परिसर में वृक्षारोपण का हम, इसके लिए मैं समस्त मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग और सभी आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल छिंदवाड़ा द्वारा स्थानीय चंदन गांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक, इनकी जयंती का कार्यक्रम बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। इस अवसर पर चंदन गांव में सामुदायिक भवन उसका नामकरण हुआ, उसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दिया गया, उस वाटिका का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका रखा गया। इस अवसर पर उस वाटिका में वृक्षारोपण किया गया, साथ ही शासकीय स्कूल चंदन गांव में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागणों के माध्यम से और यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती की और लोगों को
बधाई दी, अभिनंदन किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे प्रखर देशभक्त थे जिन्होंने राष्ट्र के लिए कश्मीर में कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बनाने के लिए और अपने प्राणों की आहुति दिए। इस अवसर पर हम उनके जयंती के अवसर पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगर एवं जिले समेत सभी उनको सशक्त और नमन करते हैं और अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करते हैं। शहर के मुख्य रूप से दो तरह के प्राइवेट स्कूल हैं, एक वो जो हाईफाई सीबीएसई और इंटरनेशनल कोर्स रन करते हैं और उनकी फीस भी हाईफाई और मेंटेनेंस की तरह, लेकिन दूसरे वो स्कूल हैं जो मध्य प्रदेश बोर्ड का कोर्स रन करते हैं यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत। ये वो स्कूल हैं जो शहर के लोअर मीडियम क्लास की पढ़ाई का बोझ उठाते हैं, बेहद कम फीस और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ। लेकिन यही वो तबका है जो इन दिनों बड़े स्कूलों और बड़ी फीस चुकाने वाले गार्जियन की लड़ाई में बेवजह पिस रहा है। स्टेट बोर्ड के अंतर्गत संचालित स्कूलों के संचालकों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या और मांगों से अवगत कराया है। आज हमने विभिन्न अपनी समस्याओं के निराकरण के ज्ञापन दिया है, जिसमें परीक्षा के पास पास ही लॉकडाउन लगने के कारण हम लोगों की विगत वर्ष की फीस बकाया है, जिसे भुगतान हेतु हमें उचित अवसर पालकों से प्राप्त करने हेतु उचित अवसर दिया जाए। उसके बाद हमारा है कि जो मान्यता की हमारी एम शिक्षा मित्र में फाइल लोड की गई थी, उसी के आधार पर हमें 3 से 5 वर्ष की मान्यता प्रदान किया जाए। और उसके बाद हमारे पालकों द्वारा जो स्कूलों के खिलाफ झूठी शिकायतें की जा रही है, उसको एक तरफा कार्रवाई ना करते हुए स्कूल का भी अभिमत जाना जाए और समय समय पर स्कूलों के पक्ष में भी शासन द्वारा जानकारी पालकों को भेजी जाए। इस प्रकार हमें आरटी की फीस जो है, आरटी फीस प्रतिपूर्ति हमारी 18-19 से बाकी है, जिसमें आधार वेरिफिकेशन ना करते हुए, उसमें जटिलता ना बनाते हुए, सरलता करते हुए आरटी की फीस हमें 18-19 की पूरी बकाया 70% राशि एक मुश्ती दिया जाए। अशासकीय शाला संघ के पदाधिकारियों ने डीईओ ऑफिस पहुंचकर भी ज्ञापन सौंपा, जहां जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागढ़े ने पूरा समय देकर इन स्कूल संचालकों की समस्या सुनी और हर सक्षम समाधान के लिए आश्वस्त किया। सभी निजी स्कूल जितने हैं जिले के, वे सभी एकत्र हुए और सभी की जो समस्या थी, एक ही समस्या थी, वो थी आर्थिक रूप से जो संकट से जूझ रहे हैं सभी स्कूल वाले। उसमें मार्च से लॉकडाउन चल रहा है और मार्च से लेकर अभी तक के 4 महीने हो चुके हैं। शासन की ओर से कोई भी ऐसा लेटर अभी तक के डिस्प्ले नहीं हुआ है, जिससे कि पालकों को ये संदेश जाए कि हमें इन दौरान जो हमारी बची हुई फीस है पुरानी शेष राशि, वो हमें प्राप्त हो। तो सबसे बड़ी कठिनाई तो ये हो रही है कि मार्च से लेकर तो पुरानी गत वर्ष की जो थी, हमारी एक भी राशि अभी तक के स्कूलों को नहीं मिली है, शिक्षण शुल्क नहीं मिला है। वो बड़ी बड़ी समस्या है, स्कूल वाले से जूझ रहे हैं। उसमें हमको वेतन भत्ते, बहुत सारे स्कूल के मेंटेनेंस खर्च और किराए, बिल्डिंग का किराया और तमाम चीज़ें हमको देना पड़ता है, वो सब चीज़ें हम नहीं दे पा रहे हैं। और स्कूल की आर्थिक स्थिति बहुत तंगी की हालत में है, जहाँ कोरोना है, जहाँ शासन बहुत सारे सभी को मदद दे रही है, वहाँ पे स्कूल आज बड़े बेहाल है। तो उस सब बातों को लेकर उसके साथ साथ हमने आरटी की अपनी खुद की राशि की मांग की है। हमने 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, ये 4 साल की जो राशि है, बहुत सारे स्कूल है जो 16-17, 17-18 के अभी भी उनको भुगतान नहीं हुआ, ये शासन स्तर पर लंबित है, हमारे से कोई गलती नहीं हुई है। 18-19 की जहाँ तक की बात है, 18-19 का कोरोना संकट के चलते हुए बहुत सारे स्कूलों ने बच्चों से जो फॉर्मिटीज होना था वो पूरी अभी नहीं कर पाई है, और उसके चलते में शासन ने मात्र 30% हमें एडवांस राशि दी है, और 30% से कहीं कुछ नहीं होना, 70% अभी भी उनके और बैलेंस है। और उसके बाद शासन का एक पत्र आता है लोक शिक्षा संचालय का कि जो 70% उसके लिए आपको पूरी कार्रवाई करना पड़ेगा। तो ये आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि सारे स्कूल जो है बच्चे आ नहीं रहे हैं, कोरोना के चलते में स्कूल बंद है, तो ये सब चीजें हम कैसे संभव हो पाएगा। तो इसकी भी मांग की है। 19-20 की जहां तक की बात है, 19-20 की हमको पूरी राशि चाहिए, हमारा अपना पैसा चाहिए, शासन मदद करे ना करे वो अपनी बात है, किंतु आज जो स्थिति है स्कूल की है, उसमें हमारा जो आरटी का पैसा, उसके लिए हमने यहां पे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, कलेक्टर महोदय को, डीपीसी सर को, इनको सबको हमने अभी ये बात कही है। इसके साथ साथ हमने और भी कहा, जैसे हमारे दूसरी समस्या है कि जो 1 से 8 तक के स्कूल है नवीन मान्यता की, उसमें शिक्षा संहिता और जो इस साल से जो एम शिक्षा मित्र से जो निरीक्षण होना है, उसमें बहुत अच्छे से डिस्प्ले है, सारी चीजें हैं,
कि केवल वो जो निरीक्षण होना है वो बीआरसी स्तर पे होना है, एम शिक्षा मित्र से ऑन द स्पॉट जाके होना है, बिल्डिंग का फोटो लेना है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का फोटो लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है। जब ये सब चीजें अगर बीआरसी महोदय कर रहे हैं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं, तो फिर दोबारा ये नवीन मान्यता के लिए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का जो निरीक्षण हो रहा है ये समस्या परे, इसमें कहीं ना कहीं हमें भ्रष्टाचार की भू आती है, ये चीजें नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं जो शासन स्तर पर नियम बने उसको नीचे स्तर पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात हमारी एक और समस्या जो बड़ी समस्या स्कूल की है वो ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, शासकीय स्कूलों में तो बच्चे बहुत अच्छे से 1 से 8 तक के पढ़ रहे हैं, अशासकीय स्कूल के लिए शासन ने नियम लगा दिया कि 1 से 5 तक के आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी उसके लिए तैयार हैं कि ऑनलाइन में बच्चों का मेंटल हरासमेंट हो रहा है, मानते हैं, चलिए ठीक है। किंतु जो शासकीय स्कूलों में जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई हो रही है वो प्लेटफॉर्म पे हम भी पढ़ा सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं उससे जोड़ा जा रहा है? 1 से 9 से 12 तक के सभी स्कूल जुड़े हैं किंतु 1 से 8 तक के स्कूल से वंचित है। हम शासन से मांग रखना चाहते हैं, लोक शिक्षा संचालनालय से, जिला प्रशासन से, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, कि उससे सारे स्कूल को जोड़ा जाए जिससे कि हम भी अपने बच्चों को उस तरीके से शिक्षा दे पाए, वो भी हमारे से जुड़े रहें, जिससे कि अभी इस वर्ष में जब स्कूल स्टार्ट होगा तो वो हमारे सबके साथ प्रॉपर वे तरीके से स्कूल में हमारे विद्यार्थी के रूप में हमारे साथ होंगे। ये छोटी छोटी सी समस्या हमारी जो जिसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है, और भी कुछ समस्या थी जिसको लेकर व्यक्तिगत रूप से हमने भी बात की है। और एक टीसी की बात बहुत अच्छी थी जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने अभी ऑनलाइन सभी को बताया भी है कि अगर कोई व्यक्ति अगर फीस नहीं देता है तो उसकी टीसी काट दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए। तो हम आगे से बिल्कुल जब जैसे स्टार्ट होगा तो वैसे जितने लोग भी फीस नहीं आएगी सबसे पहले हम टीसी काट के जिला शिक्षा कार्यालय उस पालक को भिजवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर थोड़ा सा असमंजस था पेरेंट्स में, तो उसके बारे में और आगे जानकारी। प्राइवेट स्कूलों की फीस के बारे में अब कोई असमंजस नहीं है, उनको हमने एक फॉर्मेट यहाँ से दिया हुआ था जिसमें सभी प्रकार के शुल्क और शिक्षण शुल्क भी निर्धारित करने के लिए कहा गया था। लगभग सभी विद्यालयों ने ये फॉर्मेट में अपने शुल्क की जानकारी हमको दे दी है और हमने इसको एजुकेशन पोर्टल पर डाल भी दिया है। तो अब पेरेंट इसके आधार पर जिस भी स्कूल में उनको एडमिशन लेना चाहते हैं उस अनुसार ले पाएंगे या किसी स्कूल की फीस कितनी है उसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर जान पाएंगे। अब यदि इस फीस के अलावा कोई विद्यालय अतिरिक्त कोई फीस चार्ज करता है तो फिर जरूर पालक हमको शिकायत कर सकते हैं, जिसकी हम जांच भी कराएंगे और फिर उस विद्यालय के विरुद्ध में कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित 10th बोर्ड परीक्षा में 97% अंक अर्जित कर कुमारी विपुल धुर्वे ने शाला का नाम रोशन किया है। कुमारी विपुल नगर निगम उपायुक्त अनंत धुर्वे एवं सुनंदा धुर्वे की सुपुत्री है जो संत जोसेफ स्कूल की प्राउड स्टूडेंट है। जो 97% बने और मैंने सेल्फ स्टडी की बिना कोचिंग के, मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा टीचर्स को देना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। मेरे भाई बहन को कभी भी मुझे पीछे नहीं होने दिया, हमेशा मोटिवेट किया कि आप आगे बढ़ते रहो और फ्यूचर में मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ यूपीएससी क्लियर करके, और सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं उसे भी अर्जित करूँ। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। रेलवे अधिकारी कर्मचारी संगठन के तत्वाधान में आयोजित एक कार्यक्रम में अधिकारियों व सदस्य मंडल की उपस्थिति में कोरोना वायरस को सम्मानित किया गया। आज श्रमिक यूनियन छिंदवाड़ा ब्रांच के द्वारा कोविड-19 के चलते रेलवे के जो फ्रंट एरिया में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो सामने आके फील्ड में आके जिन्होंने काम किया, उनको श्रमिक यूनियन द्वारा सम्मानित किया गया। इसमें सभी विभाग के लोग थे, कमर्शियल, ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिक, CNW, लोको पायलट, ये सभी लोग जो लगातार इस 4 महीने की अवधि में रेलवे के लिए काम करते रहे, आम जनता के लिए काम करते रहे, लोगों को सुविधाएं प्रदान करते रहे, इन सभी लोगों का हम लोगों ने हमारी ब्रांच के द्वारा सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार राज्य शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कोरोना संकट काल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ। एक्चुअली क्या है कि हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत है, अभी चूंकि कोविड-19 के संक्रमण के तहत हमारे स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने के कारण से बच्चों की ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है कि बच्चे घर पर ही रह करके अपना पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकें, इसलिए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का टाइम उनका बच्चों का पढ़ने का है। इसमें बच्चे जो है सबसे पहले तो कुछ वीडियो को देखेंगे, देखने के पश्चात रेडियो सुनने का भी कार्यक्रम है, रेडियो सुनेंगे, कुछ चर्चा करेंगे और उसके बाद में फिर लिखने का भी है, क्योंकि वो दक्षता संवर्धन की कुछ बुक्स हैं उनके आधार पर वो 1 पेज हिंदी का, 1 पेज अंग्रेजी का ऐसा लिखेंगे। तो बच्चों की सारी जो देखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सुनने की और लिखने की, ये सभी में अच्छा रहेगा। इसमें हमारे को यह है कि अभिभावकों से हमारा विशेष अनुरोध है कि वो एक बच्चों को पढ़ाई के माहौल के लिए सुबह जिस प्रकार से स्कूल की घंटी बजती है वैसे घंटी बजा दे 10 बजे और 1 बजे तक बच्चे ये करते रहें। तो ये हमारा विशेष कार्यक्रम है। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र से मटेरियल सब दिया जाएगा, उसके आधार पर ही बच्चे पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले डिजी लैब कार्यक्रम भी चल रहा था, जिन बच्चों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन था उससे वो पढ़ रहे थे। अब क्या है कि सभी बच्चों के लिए ये व्यवस्था बना दी गई है कि वो टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं और इसके बाद रेडियो के माध्यम से वो सुनेंगे और सुनने के पश्चात चर्चा कर लेंगे अपने परिवार के सदस्यों से और लेखन जरूर करेंगे ताकि उनका लेखन का अभ्यास भी निरंतर बना रहे। अभी ये व्यवस्था लागू की गई, आज से ही प्रारंभ की गई है। और इसके लिए ये है कि हमने सभी शिक्षकों को ये कहा है कि वो जाकर के अपने मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे और मुख्यालय से जाकर के वो 5-5 बच्चों से संपर्क करेंगे, अभिभावकों से संपर्क करेंगे और उनसे संपर्क करने के पश्चात बच्चों को कुछ यदि लेखन कार्य में कुछ समस्या आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे बात करें, उनका फीडबैक ले लेंगे और सभी अभिभावकों से भी मिलते रहेंगे। तो कंटिन्यूस 6 दिन का हमारा समय है और शाम का समय हमने जो 4 बजे से 5 बजे तक का टाइम लिया है ये खेल कूद के लिए भी उनका बनाया है। 7 बजे से 8 बजे तक का वो अपने बुजुर्गों से कहानी सुनेंगे, बड़ों लोगों से, और सुनने के पश्चात उसको अपने शब्दों में कोई कहानी बना भी सकते हैं ताकि उनका रचनात्मकता का विकास हो जाए। तो ये सब चीज़ें इसमें इस प्रकार से ऐसे बनाया गया है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन एक मस्ती की पाठशाला के रूप में, एक बाल सभा रेडियो कार्यक्रम के रूप में भी 4 बजे से 5 बजे तक हर शनिवार को करेंगे, जिसमें बच्चों का जो भी उन्होंने गतिविधि की है हफ्ते भर में वो खुद रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। सभी जिलों से ये सब बातें इकट्ठी की जाएंगी और फिर उसका प्रसारण किया जाएगा। पवित्र श्रावण मास आज से प्रारंभ हुआ और सौभाग्य ये कि यह शुरुआत भी सोमवार से हुई। सावन सोमवार के पावन अवसर पर शिव भक्तों ने इष्ट आराधना की। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्याना
तत्कृतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश् च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव। सत्य धर्म मंडल श्री राम मंदिर समिति के द्वारा इस वर्ष सावन माह पावन अवसर पर 5 सोमवार को काशी सुवेदाचार्य पंडित नंदकिशोर जी शास्त्री जी के द्वारा प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक अभिषेक जो यहां पर राम मंदिर में होता है इस वर्ष नहीं हो रहा, कोरोना महामारी के चलते हुए इस वर्ष राम मंदिर समिति ने निर्णय लिया यह कार्यक्रम नहीं होगा। आप सभी नगर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं बहनों से हमारा निवेदन है कि आप अपने अपने घरों में भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश् च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव। जय भोलेनाथ। हर सोमवार को बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाता है बदल बदल के। आज जैसा प्रथम दिन है सावन मास का, तो आज भांग से बाबा श्री गणेश जी की प्रतिमा मनाकर भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है और मंदिरों में भी बाहर से डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मुंह में मास्क लगाएं, प्रवेश द्वार बंद है, बाहर से ही दर्शन लाभ लीजिए। एक नमन गौरा पार्वती। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश् च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव। देखिए श्रावण मास के पावन अवसर पर आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और आज के दिन से श्रावण मास शुरू हुआ है। कोरोना महामारी के चलते हुए प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके तहत ही सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। घर घर में तक जाने की इजाजत नहीं है और सभी से निवेदन है कि इस नियम और प्रक्रिया का पालन करें। आम व्यक्ति के लिए जो दर्शन की व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत ही भगवान का पूजन करके अर्चन करके अपने अपने घर।
कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज लंबित पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर विभाग प्रमुखों को जरूरी निर्देश प्रदान किए। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय की छात्राओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नाइन्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अब तक घोषित ना होने से पेश आ रही दिक्कतों का समाधान चाहा है। सतपुड़ा लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं 9 सेम का मेरा रिजल्ट रुका हुआ है और मेरी मांग ये है कि हमारे कॉलेज के सतपुड़ा लॉ कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर है उनके खिलाफ मैं कार्रवाई चाहती हूँ। वो इसीलिए इन लोगों ने सतपुड़ा लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने बगैर सागर यूनिवर्सिटी के कुल सहायक कुल सचिव की परमिशन के बिना हम लोगों को एग्जाम करा दिए, वो भी बिना एडमिट कार्ड के। और बिना एडमिट कार्ड के हम लोगों का एग्जाम कराने के बाद 6 महीने से हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट आने का कारण ये कि इन लोगों ने यहाँ से फॉर्म तक नहीं पहुँचाया वहाँ पे। ये करते क्या, पैसे तो लेते हम लोगों से, बराबर फीस वसूली जाती है, लेकिन रिजल्ट के नाम पे बोलते हैं कि 6 महीने से मैं कंटिन्यू जा रही हूँ कि सर हम लोगों का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। बस आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, यही सारी चीजें हो रही है। क्या एक बात बताइए, क्या आप कानून का कॉलेज चलाते हो, कानून की शिक्षा देते हो? आपको इतना नहीं पता कि कानून की शिक्षा देने के बाद आपको परमिशन लेना कितनी जरूरी होती है? बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम कौन सा कॉलेज दिलाता है? आप बताइए कि बिना परमिशन के आप कौन से स्टूडेंट को बिठा के एग्जाम कराते? उसके साथ भी ये होता है कि 9 सेम में 13 से 14 बच्चे वहाँ एडमिशन लिया था उन लोगों ने और बकायदा एग्जाम भी दिए थे। जब सागर यूनिवर्सिटी के कुलपति का लेटर आता है 6 महीने बाद, तब ये लोग जागते हैं प्रिंसिपल कि हाँ कि हम लोगों ने परमिशन नहीं ली, और 6 महीने बाद यहाँ से माफी का लेटर पहुँचाते कि हमें क्षमा कर दीजिए। समय अभाव, तकनीकी की समस्या होने के कारण हमारे पास क्या नहीं, हम लोग टाइम पे पहुँच ही नहीं पाए, आपके पास फॉर्म जमा नहीं कर पाए और डायरेक्ट आंसर कॉपी भेजते हैं वहाँ से। अगर कुलपति जी, अगर यहाँ लेटर नहीं आता सहायक कुलपति का कि इन लोगों का रिजल्ट के, उन लोगों ने पूरी तरीके से हम लोगों का रिजल्ट रोक के रखा हुआ है। ठीक है, कितने बच्चे हैं जिनका रिजल्ट है? हम लोग टोटल मिला के ऐसे 13-14 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से भी इन लोगों के पास सिर्फ 6 लोगों का रिकॉर्ड है। सागर में भी 6 लोगों का रिकॉर्ड बताया गया कि मात्र 6 लोगों का रिकॉर्ड है, लेकिन बाकी बच्चों को क्या बोल देते कि आपकी पात्रता खत्म हो गई। उन बच्चों से आप 1 साल से फीस वसूल रहे, उनको एडमिशन भी दिया, उनको एग्जाम भी कराए, आज उनका नाम गायब है तो बोल दो कि आपकी पात्रता ही खत्म हो गई। कब तक ये अन्याय सहेंगे हम लोग? ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10th बोर्ड परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स का हुआ सम्मान, कलेक्टर सौरभ सुमन ने किया प्रोत्साहन। जनसंघ के संस्थापक महान चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई, सामुदायिक भवन और वाटिका डॉक्टर मुखर्जी के नाम।
प्राइवेट स्कूल संचालकों का एक धड़ा पहुंचा प्रशासन की शरण में। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल बोर्ड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले स्कूल संचालक हैं खासे परेशान। और भोलेनाथ की आराधना के आए सोमवार पहले श्रावण सोमवार के पावन अवसर पर रुद्र अभिषेक और पूजन अनुष्ठान। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।